सभी के लिए और मेरे लिए भी एक खुशखबरी है कि तो दोस्तों सारे कपड़े मैंने यहाँ पे डाले। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल एन की नंदनी एंड आस्था के चैनल में। तो आस्था के पापा की छुट्टी तो हो गई है, लेकिन अभी गए हैं आस्था को लेने आंटी के चाची जी के घर पे गए हैं, और वहाँ से लेके आने में लगभग यहाँ पे आधा एक घंटे का रास्ता है। तो यहाँ पे दोस्तों आस्था आ चुकी है चाची के यहाँ से, और शाम बहुत हो गई थी आस्था को आते आते। इतने देर में मैंने खाना वाना बना के रख लिया था, रोटी बना ली थी, मसाला पीस लिया था, बस सब्जी छोंकनी बाकी थी, क्योंकि सब्जी जो आस्था के पापा ताजी लेके आते वही मैं बनाती। तो यहाँ पे आस्था छाछ लेके आई थी आस्था के पापा और आस्था, तो इन्हीं दोनों को छाछ मैं परस दे रही हूँ, और आस्था के पापा और मैंने छाछ बिल्कुल भी नहीं पिया, और इन्होंने मुझे दिया भी नहीं, और दो ही गिलास में मैंने परसा था, मैं वीडियो बना रही थी, इतनी देर में इन लोगों ने ख़त्म कर दिया। और आस्था के पापा यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो आस्था के पापा यहाँ पे रील बना रहे हैं, और वो रील बनाते हैं, अभी अभी उन्होंने शुरुआत करी है रील बनाने की। और आस्था थोड़ी सदमे में है, क्योंकि आस्था को अच्छा नहीं लग रहा है। रात का समय हो रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, खाना पीना बन गया है, और अब हम लोग खाएंगे खाना। यहाँ पे सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं, तो यहाँ पे चाय बनकर रेडी हो गई है, और मैं चाय जा रही हूँ पीने अभी। तो आस्था के पापा, तो दोस्तों आस्था के पापा नहा खाना पीना खा पी के चले गए हैं काम पे, और मैंने नहा धोना कर लिया है, और अभी कर रही थी घर के काम, किचन वगैरह सफाई कर रही थी, और कमरे की सफाई करनी है। आस्था आ चुकी है, तो आस्था अभी नहाने में लगी है, और तब तक मैं कर रही हूँ घर की सफाई। तो दोस्तों सुबह सुबह का माहौल यही होता है कि पूरे घर की सफाई करो, और खाना पीना पहले ही बनाना पड़ता है, क्योंकि आस्था के पापा को जल्दी 8:30 बजे तक निकलना होता है। तो इसीलिए घर के सारे काम मैं बाद में करती हूँ, पहले खाना पीना बना लेती हूँ, और जब यहाँ से रूम शिफ्ट कर देंगे तो चेंज हो जाएगा रूटीन मेरा, और अच्छा हो जाएगा। बल्कि यहाँ पे तो एक कमरे में बंद रहना पड़ता है, इसलिए मन नहीं लगता है, लेकिन जब यहाँ से चेंज कर देंगे तो ज़्यादा रूटीन अच्छा हो जाएगा, और आप सभी को भी ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। वैसे अभी के ब्लॉग भी बहुत अच्छे बनाने की कोशिश कर रही हूँ आप सभी के लिए। तो यहाँ पे देखिए पूरे कमरे की सफाई कर दूँगी, किचन में सफाई कर दी है, और चटाई उठा के रख दिया है। चटाई पहले उठा देती हूँ, उसके बाद सफाई करने के बाद फिर से बिछा देती हूँ, क्योंकि मैं और आस्था पूरे दिन यहाँ पे लेटते हैं। अभी हमारे पास तखत तो है नहीं, लेकिन तखत भी बहुत जल्दी ही ले लेंगे आप लोगों की कृपया से। अगर आप लोगों का सपोर्ट ऐसा ही बना रहा मेरे साथ, तो तखत भी लूँगी, और सारे घर के सामान जितने भी हैं सारे मैं एक एक करके ले लूँगी। तो पूरे कमरे में झाड़ू लगा दिया है, और अब इस कमरे में पोछा भी लगाने लगी हूँ। ये जो कपड़े रखे हैं दोस्तों, ये धोने के लिए रखे हैं, तो घर के ये सब काम हो जाए तो उसके बाद मैं इन कपड़ों को भी धो दूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने पहले ही नहा लिया था, और आस्था भी नहा के आ गई है, और आस्था थोड़ा सा ना आस्था को बुरा लग रहा है, आई है दो दिन बाद आई है, और वहाँ पे चाची जी के घर पे बहुत सारे लोग हैं, तो उसका मन चाची जी के यहाँ ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और यहाँ पे नहीं अच्छा लगा उसे, शाम से अभी तक अच्छा नहीं लग रहा था। सुबह भी हुआ तो वो बुरा ही मुँह बना रखी थी, उसे अच्छा नहीं लग रहा था, फिर मैंने समझाया है, उसके बाद मतलब अब सही हुई है। नहाने धोने के बाद जब फ्रेश हो गई तो इसका मन लगने लगा। तो यहाँ पे मैं आस्था को तैयार कर दे रही हूँ, लेकिन अपने हाथों से ही ज़्यादा तैयार होना पसंद करती है आस्था। सामान लेने बाहर की दुकान का सामान लेने, तो मैं भी बोली चलो मैं भी चलती हूँ, और वहाँ से लेके आई है ये फ्रूटी और पेप्सी अपने लिए। यही है दोस्तों, थोड़ा नीचे तक ना 3 मंजिल नीचे जाना पड़ता है, और नीचे ही जस्ट दुकान है, दिक्कत तो नहीं हो। तो दोस्तों आप सभी के लिए और मेरे लिए भी एक खुशखबरी है कि शायद मैं अपनी मम्मी के घर जा सकती हूँ। शायद मम्मी अगर ये ब्लॉग देखेगी तो कहेगी कि पता नहीं फालतू का ही बात है, देखो वो कर रही है। तो मेरे छोटे वाले भाई का घर बन गया है, तो कुछ दिनों बाद बन रहा है, एंडिंग चल रहा है घर बनने का। तो गृह प्रवेश में शायद मेरा छोटा भाई जो आया था बर्थडे वाले दिन, तो शायद मुझे बुलाए तो जाने का मौका मिले, और अपने मम्मी पापा से मिलने का भी मौका मिले। तो सुई ना शायद पे अटकी हुई है, और एंडिंग समय पे कुछ भी हो जाता है, बदल भी जाता है ना।
तो शायद तो इसलिए मैं बता रही हूँ, लेकिन मैं खुश हूँ कि अगर मैं जा पाऊंगी तो, और इसलिए मैंने आप सभी के साथ ये बातें शेयर करी हैं। तो आज बना रही हूँ मैं पनफरा, जो कि मैंने पहले कभी नहीं बनाया, लेकिन अम्मा बनाया करती थी कभी कभी और खाती भी थी, लेकिन मैंने खाया भी नहीं है। एक आध बार शायद एक दो खाया था मैंने बस, और आस्था और अम्मा बराबर खाती थी, बनाती थी अम्मा इसी तरीके से कुछ बनाती थी। मैंने आस्था के पापा से पूछा कि कैसे बनता है सुबह सुबह, आज मैं पूछ रही थी उनसे, तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ही बनता है और नॉर्मल सा और कुछ नहीं है इसमें। तो यहाँ पे मैंने वो गोल गोल नोइयाँ बना के डाल दी है, बल्कि लंबी लंबी, तो पक रहा है, लेकिन वो छोटा बर्तन होने के कारण ना खोल जा रहा है और बार बार नीचे की तरफ पानी गिरने को हो रहा है, तो इसलिए मैं चलाती जा रही हूँ साथ के साथ। और जब तक पक नहीं जाता, जब तक इसे मैं मुझे चलाना होगा, नहीं तो आपस में भी चिपक जाएंगे और ढंग से पकेगा भी नहीं। तो अब ये पक गए हैं और इसका पानी मैंने हटा दिया है, साइड कर दिया है, और इसमें डाल दिया है चीनी, जितना आपको मिठास पसंद है उस हिसाब से, और थोड़ा सा घी मिला दिया है। तो इसी तरीके से बिल्कुल अम्मा बनाया करती थी, तो मैं भी बिल्कुल बना दे रही हूँ इसी तरीके से, चला दूँगी। अभी ये गर्म है इसीलिए इनमें जो चीनी डला हुआ है ना वो अभी गल जाएंगे, और ढक के थोड़ी देर तक छोड़ दूँगी। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ी देर तक ढक के छोड़ दिया था, अब आस्था ले आई है खाने के लिए। तो आस्था से बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं हो रहा है कि कब खाए कब खाए आस्था। तो आस्था ने फटाफट से इसे किचन से लेके आई, और थाली में भी इसी ने खुद ही परसा है और पहला कौर भी खुद ही खाया है। तो आस्था को बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद आज उसको दाई की हाथ की जैसी बनी हुई चीज़ मिली। और मैं भी अब टेस्ट कर ले रही हूँ कैसा बना है, तो बहुत ही टेस्टी बना था। मतलब देखिए, इतना सिंपल स्टेप है इसमें बनाने का, और स्वादिष्ट भी बहुत ज़्यादा है। बस थोड़ी घी की मात्रा मैंने ले ली थी, तो इसलिए थोड़ा स्वादिष्ट बन गया। तो अब आस्था और मैं इस पूरे ही उसको ख़त्म कर देंगे, और आस्था के पापा के लिए नहीं बचा कुछ भी, तो अगर वो कहेंगे तो शाम को और थोड़ा सा आटा गूंथ के बना दूँगी, क्योंकि जल्दी बन जाता है। तो पनफरा का नाश्ता तो हो गया, अब करने हैं घर के और भी काम। तो इतने सारे कपड़े धो लिए हैं और अब जा रही हूँ छत पे इन सभी को डालने, क्योंकि ज़्यादा कपड़े हैं इसके कारण। तुम से नहीं उठेगा, चप्पल पहन लो, चलो चले। दोस्त आप जाने लगे छत पे, मम्मी मेरी चप्पल तो भारी है। देखिए ये देखिए, तो अब दोस्तों छत पे जाने लग रही हूँ, और छत तो देखिए हमारे मतलब हमारे कमरे के बाद और रूम नहीं बने पड़े हैं ऊपर ऊपर, फिर छत ही ऐसी थे, और पूरा छत आज खाली था। कपड़े डालने गई तो पूरा ही, और किसी के कपड़े ही नहीं डले हुए थे, क्योंकि कल रात में मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो जो लोग ड्यूटी जाते हैं उन्होंने शायद इसलिए नहीं डाला होगा कि उनके कपड़े उड़ ना जाए, और रात में बहुत हवा चल रही थी तेजी तेजी से, तो इसलिए देखिए पूरा छत खाली। तो फिर भी मैंने इसी पे कपड़े डाल दिए, क्योंकि रस्सी पे अगर कपड़े डाल दूंगी तो बाई चांस उड़ के इधर उधर ना गिर जाए, तो फिर पता ही नहीं लगेगा कपड़े कहाँ गए। तो इसलिए मैंने इस पे डाल दिया है, ये जो तख्त सा है टूटा हुआ, इसी पे कपड़े मैं डाल दे रही हूँ सारे सूखने के लिए। और लगभग 2 घंटे बाद आऊँगी तो इन सभी कपड़ों को उठा लूँगी, क्योंकि गर्मी इतनी तेज़ है ना कि कपड़े 1 ही घंटे में वैसे तो सूख जाएंगे, लेकिन फिर भी 2 घंटे बाद आके आज तक के जितने भी कपड़े हैं वो उठा के ले जाऊँगी। तो दोस्तों सारे कपड़े मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं, कुछ यहाँ पे डाल दिए हैं, और उस साइड देखिए कितना ही प्यारा घर बन रहा है ना, वो सामने जो सफ़ेद बिल्डिंग में दिख रहा है, बहुत प्यारा घर बन रहा है। लेकिन उनका किराया बहुत ज़्यादा ज़्यादा है, बालकनी के साथ है वो कमरा। तो दोस्तों वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं, और घर के सारे काम हो चुके हैं। तो कैसा लगा है आप सभी को आज का ब्लॉग, आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मेरा ब्लॉग बनेगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।